हम अपने ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत भी आपकी दासी है, नियत आपकी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी से भी अच्छा बोले, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूम हे संगतस्तो अस्कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, तुम्हारा अधिकार इतना है कि तुम अपना काम करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरी इच्छा पर निर्भर है, तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेंगे। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है और एक बुरा कर्म अच्छे कर्मों को कष्टों में बदल सकता है। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आज के दिन आप कुछ अच्छा करोगे तो आने वाले कल में आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। कर्म का फल जरूर मिलेगा, बस फर्क ये है कि कुछ कर्म अच्छे फल देते हैं तो कुछ बुरे। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में हो, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। ना बुराइयों में उलझ जाना, ना अच्छाइयों में उलझ जाना, सिर्फ अपना काम करते जाना।
सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा। यह कर्म है, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ही ढूंढ ही लेंगे। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अपने कर्म अच्छे रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। कर्म जो किसी के भले के लिए किए जा रहे हों उनका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है कर्म से। हमारे कर्म का हिसाब ना पूछो साहब, हमने तो उन्हें भी गले लगाया जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। दूसरों के प्रति दयालु बने, भले ही वे आपके लिए ना हो। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आजकल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म बाद। आप जो चाहें कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है कर्म से। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब में। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, कर्म है जो सबका हिसाब रखता है। तो समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। जो दूसरे को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। जिंदगी में जो कर्म करते हैं अच्छा या गलत उससे ही भविष्य का जन्म होता है। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु उसके कर्म होते हैं। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वो भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता है। प्रत्येक कर्म
बीज के समान होता है, और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की थी तो उन्होंने क्या कहा था? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा या भोज्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौंती, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी सिद्धत के साथ अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है तो निश्चय ही अपने विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी करने वाला, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना पीना सोना जागना सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अब कोई काम नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान ही है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है, यदि कोई सो रहा हो तो उसका मन सपने देखने की क्रिया में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य पूर्णतया कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि उसका मन उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर है।